जेन में ये था कि यहाँ पे रह के मेरे हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं कि मैं मेरी छोटी फैमिली है, बच्चे हैं, यहाँ पे जो है ना हालात मेरे बेहतर नहीं हो रहे। तो 2013 में मैंने ये फैसला किया था कि अब मैं जो है ना बाहर जाऊँगा और कुछ पैसे जो है ना वो मैं कमाऊँगा। मैं डेंकी लगा के रास्तों से मुश्किल से तो मैं तुर्की चला गया ना। आप सोच नहीं सकते कि जब मुझे जेंट ने बोला कि यहाँ पे आपने आज रात को ठहरना है, वो एक बहुत बड़ा तालाब था काले रंग का, फैक्ट्रियों का, वहाँ पे सुरूर थे, वहाँ पे मैंने रात गुजारी है। इतने इतने मच्छर और इतनी गंदगी में मैंने वो रात गुजारी। तो सुबह जब मुझे वो लेने आया तो फिर मैं चलना शुरू कर दिया, चलते चलते फिर पानी ख़त्म हो गया, फिर मैं कुछ फिर बेहोश हो गया। तो इतने देर में मुझे ना एक गोली की आवाज़ आती है, गोली सीधी आके मेरे करीब ही लगती है। तो मैं जब देखता हूँ तो पीछे देखता हूँ तो फौजी होता है, वो ऊपर टावर पे बैठा हुआ। तो 2-3 महीने तो ये जज्नामे पे लग जाते हैं, पेपर लेके आओ, पेपर फील करो, ये तो चीज़ें हमने सोची नहीं थी। 2 दफ़ा उन्होंने मुझे काम की इजाज़त दी, उसके बाद उन्होंने मुझे ना काम की इजाज़त छीन ली, ठीक है। फिर मुझे कैदियों के साथ उन्होंने काम पे रख दिया 80 सेंट पे। मैंने पैसे की खातिर बड़ा वेट किया, बहुत ही वेट किया मैंने कि चलो मुझे आज अच्छी नौकरी मिल जाए, आज जर्मनी मुझे इजाज़त दे दे, दोबारा दे दे। मैंने उनके साथ बहुत ही पीलें की कि मुझे दोबारा इजाज़त दे। तो फिर जब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं वापस जाऊं, क्योंकि 6-7-8 साल गुजर गए हैं दुनिया के धक्के खाते हुए, तो घर भी कुछ नहीं बना पीछे, तो ना इधर मेरा कुछ बना। तो बच्चे थे वो भी 7-7-8-8 साल के हो गए थे, वो भी कहती थी फ़ोन पे कि पापा घर कब आओगे। तो फिर IMO ने मेरी सपोर्ट की और मैं आज आपके सामने घर में बैठा हूँ। यहाँ पाकिस्तान एयरपोर्ट पे आया तो एयरपोर्ट से पहले भी जब जर्मनी में जब मुझे पता चला कि अब मेरी ये टिकट है फलां कि मैंने निकलना है, तो दिल में एकदम खुशी आती थी कि अब मैं घर जा रहा हूँ, इतने अरसे के बाद जा रहा हूँ। लोग ये जाना चाहते हैं कि मैं जर्मनी जाऊँ, परदेश में जाऊँ, काम करूँ। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं आने वाले जो जितने मेरे बच्चे पैदा हों या जितनी देर मैं ज़िंदा हूं, तो मैं तो कभी किसी को नहीं भेजूंगा। वापस आने के बाद ज़िंदगी ऐसी होती है, जब बंदे के पास कुछ नहीं होता ना, वो सिफर होता है। तो जैसे आपने सपोर्ट की है, मेरी ज़िंदगी के हालात कुछ अब बेहतर होते जा रहे हैं। अब जितने मर्जी हालात ख़राब हो जाएँ पाकिस्तान में मेरे, मैं तो कभी नहीं जाऊँगा, ना कभी किसी को कहूँगा कि बाहर जाओ।